नमस्कार दोस्तों, आपको मेरे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है जिसका नाम है बाय सेल सिग्नल सॉफ्टवेयर। तो अगर आप शेयर मार्केट में काम करते हैं और लॉस से परेशान हैं या फिर आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना रिटर्न आपको नहीं मिल रहा है तो थोड़ा सा टाइम निकाल के मेरा वीडियो को देख लीजिए, शायद आपके लिए कुछ बेनिफिट हो सकता है। आज का वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा जो मार्केट में कॉल कैसे बनता है, कैसे आप एक स्ट्रॉन्ग कॉल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे आप फेक कॉल से बच सकते हैं, एज वेल एज एंट्री लेने का साथ साथ आपको एग्जिट कहाँ पर करना है। देखिए, मार्केट में हर रोज काफी सारा कॉल बनता है जिसमें से कुछ कॉल ही अचीव होता है, मैक्सिमम कॉल अचीव नहीं हो पाता। तो कॉल आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है, ये सबसे फर्स्ट स्टेप है। और सेकेंडली, अगर हम लोग एंट्री ले भी लेते हैं, एग्जिट कहाँ पर करना है। हर एक इंट्राडे ट्रेडर यही सोचता है जो एंट्री अगर मिल जाए तो एग्जिट हम लोग तो कहीं ना कहीं कर ही लेंगे, बट ये गलत फहमी होता है। एंट्री हम लोग को मिल जाता है सही जगह पे, हम लोग मार्केट को छोड़ नहीं पाते। मैक्सिमम टाइम क्या होता है, हम लोग एक छोटा प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं, उसका बाद देखते हैं मार्केट में लंबा रैली देखेंगे, तो रैली हम लोग का हाथ से अक्सर छूट जाता है। और कभी कभार ऐसा भी होता है जो थोड़ा सा ज्यादा वेट करने का चक्कर में हाथ में जो भी पैसा आ रहा था वो भी हाथ से निकल जाता है। तो ये सॉफ्टवेयर आपको कैसे हेल्प करेगा, कैसे आपको गाइड करेगा, ये वीडियो में मैं सारा चीज को एक्सप्लेन करूंगा। वीडियो का अंत तक जरूर देखिए। अगर आप बिगिनर्स है या आप बहुत दिन से ट्रेड कर रहे हैं फिर भी एक्सपेक्टेशन जैसा रिजल्ट नहीं ला पा रहे, तो ये टूल्स आपको काफी हद तक हेल्प करने वाला है। देखिए, इस मार्केट में हर कोई प्रॉफिट तो कमाता है बट उसको सेव नहीं रख पाता है। कंसिस्टेंटली प्रॉफिट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं जो आप 3 दिन प्रॉफिट किया, 4th दिन आपका पूरा पैसा चला गया। अगर आप 3 दिन प्रॉफिट किए हैं, 4th दिन अगर मार्केट खराब है उस दिन ट्रेड नहीं करना या कैपिटल को सेव रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट में सर्वाइव करना सीखिए, ऑटोमेटिकली पैसा बनते रहेगा। ऐसा नहीं जो बैठा हूं तो आज को ट्रेड करना ही है या पैसा बनाना ही है, नॉट लाइक दैट। ट्रेडिंग का मतलब ही होता है अपॉर्चुनिटी। अगर अपॉर्चुनिटी है तो ट्रेड करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। कैपिटल को सेव करने पे ध्यान दीजिए, कैपिटल सेव करने का ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे तो आप मार्केट में बने रहेंगे। और अगर आप मार्केट में बने रहेंगे तो एक ना एक दिन आपको इतना पैसा मिलेगा जो 1 हफ्ता का पूरा पेमेंट भी उठा सकता है। तो चलिए देखते हैं कैसे हम लोग चार्ट एनालिसिस करते हैं। कोई ज्यादा थिंकिंग करने का जरूरत नहीं है, आप जस्ट टूल्स को ध्यान से फॉलो कीजिएगा, सारा गेम यहीं पर है। देखिए, आज को मैं एक एग्जाम्पल के लिए स्कॉट का चार्ट लगाया हूँ। ये आज का फर्स्ट ओपनिंग कैंडल है, ऊपर में डेट टाइमिंग सब दिखाई दे रही है। ये 9:15 का फर्स्ट ओपनिंग कैंडल, कैंडल का कलर थोड़ा ब्लू टाइप का दिख रहा है। ओके, ब्लू कैंडल का मतलब क्या है बता देता हूँ। ब्लू कैंडल इज द ट्रेंड रिवर्सल कैंडल। जब भी कोई ब्लू कैंडल बनेगा आपको समझ जाना है जो नेक्स्ट कैंडल पे आपको कोई सिग्नल बनने वाला है। जैसे ब्लू कैंडल का बाद वाला कैंडल पे आपको रेड कलर का एरो दिख रहा है, ये सेलिंग का एरो है। लेफ्ट हैंड साइड बॉक्स में उसका डिटेल्स आ जाएगा। जब भी कोई सिग्नल बनेगा, वो कॉल अचीव हो या ना हो, ऑटोमेटिकली आपको कौन सा वैल्यू में कॉल दिया है, टारगेट स्टॉप लॉस सब कुछ आ जाएगा। अब क्वेश्चन ये है, एक इंट्राडे ट्रेडर को कैसे समझना है, क्या क्या चीज देखना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे ब्रेकडाउन जोन बोल के एक येलो कलर का लाइन दिखाई देगा, और इसी तरीका का ऊपर में हम लोग का ब्रेकआउट जोन बोल के एक लाइन दिखाई देगा। तो कुछ कुछ लेवल होता है जिसे इंट्राडे ट्रेडर को समझना है। अगर किसी दिन कोई भी स्क्रिप्ट का फर्स्ट ओपन वैल्यू, पूरा कैंडल का बात नहीं हो रहा है, फर्स्ट ओपन वैल्यू अगर ब्रेकडाउन जोन का नीचे ओपन हुआ, जैसे ये जो फर्स्ट कैंडल है इसका ओपन वैल्यू यहां पर ओपन हुआ था, ये मेरा कर्सर पे, तो ये यहां से लेके ऊपर की तरफ लेके गया था। तो फर्स्ट ओपन वैल्यू अगर ब्रेकडाउन जोन का नीचे ओपन होता है तो सबसे पहले दिमाग में स्ट्राइक करता है जो मार्केट एक सेंटिमेंट के साथ काम करेगा और ये ऊपर ले जाने का कोशिश करेगा। तो ये एक लॉजिक होता है, अगर ये हम लोग का ब्रेकडाउन जोन का नीचे ओपन होता है तो हर एक स्क्रिप्ट के लिए लागू होगा। तो चलिए, ये पहले पता चल गया था मार्केट ऊपर जाएगा, बट कॉल बना है सेलिंग का, तो हम लोग देख लेंगे जो ये जो सेल का कॉल बना है क्या ये ट्रेडेबल कॉल है, इसमें ट्रेड करना है या नहीं करना है। तो हम लोग को यहाँ पर तीन चीज है, तीन कंडीशन आपको देखना है। जो सेल का टाइम नीचे का रिबाउंड का कलर क्या है, रेड है, इसका मतलब है सेलर स्ट्रांग है, तो ये आपको इंडिकेट कर रहे हैं हाँ सेलर स्ट्रांग है, आप सेलिंग के बारे में सोच सकते हैं। सेल का कॉल का पहले स्टार बनेगा, स्टार भी बन चुका है। अब नीचे का जो थर्ड इंडिकेशन है वो है नीचे ब्रिक्स इंडिकेटर, जिससे जिसका कलर ग्रीन होना चाहिए और ये व्हाइट का ऊपर होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको ब्लू दिख रहा है, ब्लू मैं जैसे बताया रिवर्सल का संकेत है और ये है व्हाइट का ऊपर, मतलब जो थर्ड कंडीशन है ये आपको रोक दिया है जो आप यहाँ पर सेल नहीं कर सकते। तो कैंडल जब फर्स्ट ओपन हुआ था उसी टाइम मेरा दिमाग में स्ट्राइक किया जो ब्रेकडाउन का नीचे ओपन हुआ है तो ये ऊपर की तरफ एक मूवमेंट करने का कोशिश करेगा, बट फिर भी कभी कभार मार्केट नीचे गिरता है, बट कंडीशन को मैच होना है। जो कंडीशन यहाँ पर मैच नहीं है तो मैं यहाँ पर सेलिंग के बारे में सोचूंगा ही नहीं। तो थोड़ा सा वेट करने से सेकेंड कैंडल पे देखिए, जिस कैंडल पे ये सेल का कॉल बना था वो कैंडल क्लोज होते होते कैंडल का कलर भी ब्लू हो गया। ब्लू होने का मतलब है जिस कैंडल पे सेल का कॉल दिया है उसी कैंडल फिर से ट्रेंड रिवर्सल हो गया और नेक्स्ट कैंडल पे आपको बाइंग का इंडिकेशन दे दिया।
अभी देखिए बॉक्स जो रेड कलर का था वो ग्रीन में कन्वर्ट हो गया है या ब्लू में कन्वर्ट हो गया, और ये बाइंग का इंडिकेशन आपको मिल चुका है। तो सबसे पहले मैं, मुझे पहले से पता था जो मार्केट का जो ट्रेंड है वो ऊपर का तरफ है, ऊपर जा सकता है एज पर लॉजिक, बट हम लोग बाकी का रूल को भी फॉलो करेंगे। देखिए जैसे ये जिस कैंडल पे सेल का कॉल बना था उसी टाइम वो रेड स्टार के बाद वो ग्रीन स्टार भी दे दिया, नीचे का रिबन भी देखिए ग्रीन हो गया, और ब्रिक्स वाला जो इंडिकेटर है वो ग्रीन हो गया और ये व्हाइट का ऊपर जा रहा है। तो ये सारा कंडीशन आपको बता रहा है जो ये आप बाय करके एक प्रॉफिट बना सकते हैं। तो रूल को फॉलो करना है, रूल को मैच करने पे आप कहीं पर भी ट्रेड डाल सकते हैं। एंट्री लेने के बाद मैं बार बार जो फोकस करता हूँ वो है एग्जिट, एंड एग्जिट के लिए आपको नीचे का जो ब्रिक्स वाला इंडिकेटर है उसका तरफ ही फोकस करना है। सपोज आपने ट्रेड लिया है 3041 पे, 3041 से लेके अगर अब मैं देखूंगा यहाँ पर ऑलरेडी 67 पॉइंट प्रॉफिट बना लिया, अब फ्यूचर में 67 पॉइंट मतलब मोर देन इनफ है। अगर आपके पास कैपिटल नहीं है सेम लॉजिक के ऊपर बेस करके आप ऑप्शन पे ट्रेड कर सकते हैं। आपको एग्जिट करने के लिए नीचे का ब्रिक्स का तरफ ध्यान देना पड़ेगा, जैसे ब्रिक्स का कलर रेड होना शुरू करेगा और वो चेंज होते होते व्हाइट का नीचे आ जाएगा तो समझ जाना है इसका बात, और आप इस बाइंग पोजिशन पे वेट नहीं कर सकते। आप अगर आप ऑलरेडी प्रॉफिट बना चुके हैं तो इस कैंडल पे भी छोड़ सकते हैं, या मैक्स टू मैक्स आप इतना रिस्क ले सकते हैं, इसका बाद आप रिस्क नहीं ले सकते। अभी जैसे देखिए यहाँ पर एक सेलिंग का कॉल भी मिल गया था, तो बाइंग में तो मैं पैसा बना लिया अच्छा खासा। अभी जो सेल का कॉल है क्या ये सेल का कॉल में ट्रेड करना चाहिए? अभी देखिए वही सेम कंडीशन को आपको मैच करना है, नीचे का रिबन का कलर अभी भी ग्रीन है, मतलब ये अभी बता रहा है जो अभी भी मार्केट में बायर स्ट्रॉन्ग है। ब्रिक्स इंडिकेटर क्या करता है, सेंटिमेंट को कैच करता है, और सेंटिमेंट सबसे पहले चेंज हो जाता है। तो सेंटिमेंट का हिसाब से बता दिया है जो ये सेलिंग से का तरफ जा रहा है, बट इस सेल का कॉल में अभी तक कोई स्टार भी नहीं बना है, तो हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा वेट करेंगे। थोड़ा सा वेट करने के बाद मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है एक रेड कलर का स्टार बना, मतलब अगर आप चाहे तो इस कैंडल पे आके एंट्री ले सकते, इसका पहले नहीं। स्टार जब बना नीचे का रिबन भी रेड हो गया, ब्रिक्स तो आपका फेवर में है ही। अब सोचिए आप इस यहाँ पर एक चीज ध्यान करने लायक है, सपोज यहाँ पर आप एंट्री लिए हैं, एंट्री लेने के बाद देखिए कंटिन्यूअसली 1 2 3 4 5 6 अगर यहां से लेके यहां तक देखेंगे प्राइस में कोई अब मतलब ज्यादा मोमेंटम नहीं हो रहा है, प्राइस सेम जगह पे घूम रहा है, बट सेंटिमेंट देखिए काफी नीचे गिर रहा है। तो इस चीज को समझना है, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर है आपको हर एक ट्रैप को समझना पड़ेगा। अगर दिखाई दे रहा है प्राइस में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, प्राइस सेम जगह पे मूवमेंट हो रहा है, बट आपका जो ब्रिक्स वाला इंडिकेटर है जिसे हम लोग सेंटिमेंटल इंडिकेटर कह रहे हैं, वो अगर ज्यादा मूवमेंट हो रहा है, वो ज्यादा मूवमेंट कर दे रहा है, मतलब सेंटिमेंट अपना काम कर दे रहा है बट प्राइस अपना काम नहीं कर रहा है, तो ये सिचुएशन आपके लिए एक ट्रैप सिचुएशन हो सकता है। इस तरीके का सिचुएशन में जितना जल्दी हो सके निकलने का कोशिश कीजिए, या जरूर एक स्टॉप लॉस रखिए ताकि मार्केट रिवर्स भी हो जाए तो आपका ज्यादा लॉस ना हो। तो हर एक ट्रेडर को जैसा प्रॉफिट के बारे में सोचना है वैसा लॉस रोकने का बारे में भी सोचना है। अल्टीमेट देखिए धीरे धीरे ये मार्केट रिवर्स होने लगा और यहाँ पर फाइनली बाइंग का कॉल दे दिया। तो देखिए काफी देर तक एक ही जगह पे घूम रहा था, ब्रिक्स ने मूवमेंट किया, प्राइस ने मूवमेंट नहीं किया। अब ये जो बाय का कॉल है इसका बात अगर करेंगे, देखिए इसका पहले स्टार बन चुका है, नीचे का रिबन ग्रीन हो चुका है, ब्रिक्स वाला जो इंडिकेटर है ग्रीन होके व्हाइट को तोड़ के ऊपर जा रहा है। तो यहां पर देखिए ब्रिक्स का साथ साथ प्राइस में भी काफी तगड़ा मूवमेंट हुआ और यहां पर भी एक अच्छा खासा बेनिफिट बना लिए। याद रखिएगा ब्रिक्स का साथ साथ प्राइस का भी मूवमेंट होना चाहिए, सेंटिमेंट मूवमेंट कर रहा है प्राइस मूवमेंट नहीं कर रहा है, तो ये आपके लिए ट्रैप सिचुएशन हो सकता है। अल्टीमेट देखेंगे यहां पर वेट करेंगे कब तक, देखिए यहां पर ब्रिक्स वाला इंडिकेटर को ही फॉलो करना है। अभी ब्रिक्स वाला इंडिकेटर अभी भी व्हाइट का ऊपर है, जब तक ये व्हाइट का ऊपर रहेगा तब तक आपका पोजिशन सिक्योर है। जैसे ये व्हाइट लाइन को तोड़ के नीचे की तरफ मूवमेंट करना शुरू कर देगा तो आपको समझ जाना है जो मार्केट का जो सेंटिमेंट है वो चेंज होने वाला है। तो हम लोग का ये जो सॉफ्टवेयर है काफी प्रैक्टिकल है, आपको ज्यादा कुछ दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है, जस्ट सॉफ्टवेयर का स्ट्रेटेजी को रियल मार्केट में रियल टाइम में फॉलो करते जाइए। जैसे ब्रिक्स व्हाइट का नीचे आएगा मैं पोजीशन को छोड़ दूंगा। फाइनली देखिए यहाँ पर एक सेल का कॉल बना था, बट सेल का कॉल में सारा कंडीशन तो मैच था बट तुरंत ही कॉल रिवर्स भी हो गया। याद रखिएगा जब भी कोई सिग्नल बनता है उसका पहले एक ब्लू कैंडल बनता है, चाहे वो बाय हो या सेल हो, उस ब्लू कैंडल का लो को अगर नहीं तोड़ता है तो वो मूवमेंट आपको मिलेगा नहीं, बिकॉज ब्लू कैंडल इज अ ट्रेंड रिवर्सल कैंडल। तो ट्रेंड रिवर्सल इस कैंडल पे हुआ है तो उसका ट्रेंड को ब्रेक करना है तब जाके मोमेंटम मिलेगा। तो अल्टीमेट देखिए यहाँ पर थोड़ा सा वेट करते तो आपको दिखाई दिया मार्केट फाइनली रिवर्स हो गया, ऊपर की तरफ चला गया। अब ये जो बाय का कॉल है यहाँ पर भी सेम कंडीशन को आपको देखना है,
स्टार बन चुका है, नीचे का रिबॉन ग्रीन हो चुका है, ब्रिक्स आपका फेवर में है। एंड फाइनली अगर आप नोटिस करेंगे, देखिए ये मार्केट उतना ऊपर तक लेके चला गया जो मैं सुबह को ही बताया था, जो मार्केट ब्रेकडाउन का नीचे खुला है, तो ये धीरे धीरे ब्रेकआउट तक लेके जाएगा। अब ऐसा नहीं होगा जो मार्केट सीधा ब्रेकआउट तक लेके चला जाता है, ऐसा बहुत रेयर केस में देखा जाता है मार्केट वी शेप में रिकवरी करता है, मार्केट थोड़ा अप डाउन करते करते ही मूवमेंट करेगा। तो फाइनली देखेंगे यहां तक लेके गया था, अब यहां पर भी ब्रिक्स को देखते हुए आपको पोजिशन को स्क्वायर अप करना है। फाइनली यहां पर सेल का कॉल बना, यहां पर भी सिग्नल बना है, स्टार बना है, ब्रिज को फॉलो करना है और उस हिसाब से आप इस सेल का कॉल में भी ट्रेड ले सकते हैं, ये भी फाइनली आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट देखेगा। तो ये तो था एक सिंपल एग्जांपल, चाहे आप कोई भी चार्ट पे फॉलो कर रहे हैं, कोई भी चार्ट में काम कर रहे हैं, लॉजिक को सही से फॉलो कीजिए, रिजल्ट भी मिलेगा। ज्यादा कुछ दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है, कल को क्या होगा, आज सुबह को क्या हो सकता है, नॉट लाइक दैट। जस्ट चार्ट को फॉलो कीजिए, इंडिकेटर को फॉलो कीजिए, स्ट्रैटेजी को ध्यान से देखिए, नॉलेज जितना बढ़ेगा उतना ही अच्छा आप प्रेडिक्शन बना पाएंगे। तो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बोलिएगा, अच्छा लगने से लाइक शेयर जरूर कीजिए, फर्स्ट टाइम चैनल को देख रहे तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। मन में कोई भी डाउट या क्वेरीज आप दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, लाइव डेमो के लिए भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप न्यू हैं, अकाउंट ओपन करना चाहते हैं या हम लोग के थ्रू ज्वाइन होना चाहते हैं, जैसे हम लोग एलेक्स ब्रू के साथ काम करते हैं, काफी अच्छा ब्रोकर कंपनी है, काफी सारा फैसिलिटी भी दे रहे हैं, इसलिए अगर आप ऑप्शन ट्रेडर है तो ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए और भी अच्छा है। तो आप फ्यूचर को देखते हुए भी ऑप्शन में काम कर सकते हैं या डायरेक्टली हम लोग का चार्ट में ऑप्शन का भी ग्राफ लगा सकते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी स्टॉक्स ऑप्शन एवरीथिंग इज अवेलेबल। अगर आप चाहेंगे तो इस सॉफ्टवेयर का दौरान आप कॉमोडिटी मार्केट में भी ट्रेड ले सकते हैं। इस मार्केट रिलेटेड अगर आपको मेरा और भी कुछ वीडियोस देखना है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा चैनल का लिंक मिल जाएगा, चैनल को ओपन कीजिए, काफी सारा वीडियोस है, दो चार वीडियो और देख लीजिए, काफी इंटरेस्टिंग लगेगा। एंड फाइनली एक ही चीज बोलूंगा, सिर्फ प्रॉफिट का पीछे मत दौड़िए, प्रॉफिट का साथ साथ लॉस को कैसे कंट्रोल करना है इसके बारे में सोचिए, क्योंकि डेली प्रॉफिट नहीं होगा, कोई भी स्ट्रैटेजी डेली पैसा नहीं बना पाता है। अगर आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिट चाहते हैं तो आपको प्रॉफिट का बारे में भी जैसा सोचना है, लॉस कैसे रोकेंगे उसके बारे में भी सोचना है। थैंक यू।